पोजिशनल ट्रेडर्स की भी बात कर लेते हैं। आज आप कौन से स्टॉक पर आज आपका फोकस रहने वाला है सर? देखिए रिजल्ट सीजन है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में मिल रही है, तो आज मैं छोटा सा और कुछ एक स्टॉक सिलेक्ट करके आया हूँ जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, जो हमारे दर्शक कई बार पूछते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, उनको भी मैं कुछ, अगर आप अलाउ करें सत्यम जी, तो मैं कुछ एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा। जी सो देखिए सर, पहला स्टॉक है पीएनबी। आप पीएनबी फाइनेंस को देखिए, बहुत अच्छा बिल्डअप है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। 985 के ऊपर खरीदिएगा, 1170 का टारगेट के रखिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 920 का। निपॉन एएमसी देखिए, रिजल्ट्स बेहतरीन है, बाय करिएगा 717 के ऊपर, टारगेट रखिएगा 810, स्टॉप लॉस रखिएगा 680। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए, कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है क्वार्टर सिक्वेंशियली वाईओआई बेसिस पर। मुझे लगता है 705 के ऊपर खरीदारी कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हाँ जी 705 के ऊपर खरीदारी कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 790 का, तो बड़ा टारगेट है यहाँ पर, स्टॉप लॉस रखिएगा 670 का। एमजीएल देखिए, एमजीएल आईजीएल इन सब के साथ सबसे बड़ी समस्या आई थी, जब जब आपने देखा कि जो बेसिकली जो जो एलोकेशन ऑफ एपीएम गैस था वो बेसिकली कम होता हुआ दिखाई दिया इन कंपनीज के लिए, तो जो ये दूसरी जगह से गैस प्रोक्योर करेंगे उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो यहाँ पर मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। इसके बावजूद टेक्निकल चार्ट पे आप देखिए तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर, काफी गिरावट हुई है, तो एक काम करना क्या है, अगर 1615 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे केवल इन दैट कंडीशन आप इसको खरीदेगा, एक टेक्निकल पुल बैक आपको मिल सकता है 1800 रुपए की तरफ, स्टॉप लॉस 1540 का आपको लगाना है। सीआई ऑटोमोटिव देखिए, यहाँ पर आप देखें तो 1520 के ऊपर खरीदेगा, अगर स्टॉक 1520 के ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट 1590 का रखिएगा, स्टॉप लॉस 500 रुपए, सॉरी 1500 के पास रखिएगा, माफ कीजिएगा 500 गलती से लिख गया, इसको करेक्ट कर दीजिए। फिनोलेक्स जी इंडस्ट्रीज देखिए, मैं इस स्टॉक के ऊपर काफी बुलिश हूँ फंडामेंटली भी, 330 के ऊपर बाय कीजिएगा, 415 का टारगेट रखिएगा, 3000 रुपए का स्टॉप लॉस आप लेकर के चलिए। डिक्सन टेक देखिए, बिल्कुल यूनिक पोजिशनिंग है इस कंपनी की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के भी इस वक्त भी आए हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है 15480 के ऊपर काफी चल भी गया है, इस लास्ट वीक में सस्टेन कर रहा है, तो इतना चला हुआ स्टॉक को देने में थोड़ा घबराहट होती है, बट इवन है 15480 के ऊपर सस्टेन करे तभी खरीदेगा, बाजार अच्छे रिजल्ट्स को ऑनर कर रहा है, आप देखिए किस तरह के मूव्स आ रहे हैं, आपने कल देखा पीरामल फार्मा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतना चला हुआ स्टॉक है, हमारा रिकमेंडेड स्टॉक्स था, देखिए किस तरह से 18% चलता हुआ दिखाई दिया, तो 15480 के ऊपर खरीदिएगा, टारगेट रखिएगा 1600, स्टॉप लॉस रखिएगा 1500, तो 15000 माफ कीजिएगा, तो ये हो गए 7 स्टॉक जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यूटीआई एफसी एजिस लॉजिस्टिक पर भी ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स हैं, मुझे लगता है यहाँ दोनों पर भी बुलिशनेस बनी रहेगी।